हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके पहले के वीडियोज में हमने इसका बेसिस देखा था, जिसमें हमने अलग अलग तरह के टर्म्स को देखा था। फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो आज हम उसी पर डिपेंड एक्सरसाइज 6.1 वो देखेंगे। अब क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आसान है, जिसमें आपको कांस्टेंट फाइंड करना है, कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है, फिर आपको दिए गए टर्म जैसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग करना है, फिर सिंपल सी एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स है। तो क्वेश्चन से वैसे थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं, तो आज हम ये देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो की लिंक शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबट्रैक्ट x स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2x प्लस 7 फ्रॉम 1/3 x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2। अब देखो, दिस इज अ ट्राइनोमियल, दिस इज आल्सो ट्राइनोमियल। तो हमें इस ट्राइनोमियल में से इस ट्राइनोमियल को सबट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के आगे की जो ट्राइनोमियल होती है उसको हमें पहले लिखना होगा, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में। सो फर्स्ट हियर वी विल राइट 1/3 x² + 1/2 x + 2 माइनस, अब ब्रैकेट करेंगे, अब लिखेंगे इस ट्राइनोमियल को। सो वी विल राइट हियर x² - 5/2 x + 7। सो अब सब्ट्रैक्ट करते समय जो ब्रैकेट में ट्राइनोमियल है उसके सभी साइन चेंज होंगे, क्योंकि इस माइनस से हमें हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट हियर 1/3 एज इट इज x² + 1/2 एज इट इज x + 2। यहाँ पे हो जाएगा x² पॉजिटिव है तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस x², यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5/2 x, यहाँ माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 7। गॉट इट। अब इसके बाद की जो स्टेप होती है वो होती है लाइक टर्म्स को क्लोज करना, नजदीक लिखना। अब यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ पे भी x² की टर्म है, इन दोनों को नजदीक लिखेंगे। सो वी विल गेट हियर 1/3 x² ये माइनस x² यहाँ पे लिखो, इसके पास पहली टर्म होगी, अब दूसरी टर्म है 1/2 x, अब x की टर्म इधर का है यहाँ है तो इसको लिखेंगे प्लस 5/2 x, फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म प्लस 2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस 7 है। अब नंबर ऑफ टर्म ऊपर के और नीचे के सेम है कि नहीं वो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय हमें कोएफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ सब्ट्रैक्शन है सो इसका कोएफिशिएंट 1/3 है, माइनस x² का कोएफिशिएंट यहाँ दिया नहीं मतलब 1 है, तो 1/3 - 1 करना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 3/3, दैट इज इक्वल टू हो गया -2/3। सो वी विल गेट हियर -2/3 वेरिएबल एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 + 5/2 दैट इज इक्वल टू हो गया 6/2, दैट इज इक्वल टू हो गया 3। सो वी विल गेट हियर 3x और प्लस 2 माइनस 7 होता है -5। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। एड 2x² - 5x² y² + 2xy एंड 6xy + 4x² - 7, मतलब इन दो ट्राइनोमियल्स को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम दिस ट्राइनोमियल, यानी इन दोनों की जो एडिशन आएगी उसको हमें इस ट्राइनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप या तो पहले इन दोनों की एडिशन करके आंसर निकालो, फिर उस आंसर को इस ट्राइनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप क्या करो, पहले ये ट्राइनोमियल लिख लो, फिर माइनस का साइन दो और ब्रैकेट में इन दोनों की एडिशन करो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर और सब्ट्रैक्ट किसके में, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम इसको लिख लेंगे। सो वी गेट हियर -xy + x² + 7x² y²
अब इस ट्राइनोमियल में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के एडिशन को। सो सब्ट्रैक्ट करना है, इसने साइन दिया है माइनस, और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के एडिशन को। तो ब्रैकेट में इन दोनों की यहाँ हम एडिशन दिखाएंगे, तो इसमें ये स्पेस बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो विल गेट हियर 2x² - 5x² y² + 2xy + 6xy + 4x² - 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक टर्म्स को नजदीक लिखना है। सो यू विल गेट हियर 2x² एज इट इज। अब x² की लाइक टर्म यहाँ पे कौन सी है, क्या तो 4x² है। सो आई विल राइट हियर +4x². सेकंड टर्म यहाँ की है -5x² y², इसकी कोई लाइक टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर थर्ड है 2xy, इसकी लाइक टर्म है +6xy, और लास्ट में रह गया कॉन्स्टेंट। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। सो नाउ 2x² + 4x², तो कोई पिशन को ऐड करो, 2 + 4 6, सो यू विल गेट हियर 6x². अब ये -5x² y² एज इट इज, अब इन दोनों को ऐड करो, 2 + 6 हो गया 8, सो +8xy - 7। अब ये हो गया रिजल्ट इन दोनों के एडिशन का। अब क्या करना है, इस ट्राइनोमियल में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर -xy + x² + 7x² y² - जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इन ब्रैकेट 6x² - 5x² y² + 8xy - 7 दैट इज इक्वल टू। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट के सभी साइन चेंज होंगे। सो यू विल गेट हियर -xy एज इट इज +x² + 7x² y² माइनस से मल्टीप्लाई करो सबको, तो यहाँ पे प्लस है 6 के बजाय, तो -6x² - -5x² y² - (+-8xy) - (+7). अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है लाइक टर्म्स को नजदीक लिखना। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई की टर्म है, इधर कहाँ है, एक्स वाई की यहाँ है। सो यू विल गेट हियर -xy, ये -8xy इसके पास लिखा, पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म है +x², इधर है क्या एक्स टर्म की, हाँ यहाँ है, तो -6x², तीसरी टर्म है यहाँ पे +7x² y² x² y² की टर्म यहाँ पे कहा है, ये है, तो +5x² y² उसके बाद है यहाँ पे माइनस, ये हो गया, अभी बचा यहाँ पे कॉन्स्टेंट +7। टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है। अब इनको ऐड करो, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे -1 - 8 - 1 और -8 होता है -9xy। इन दोनों में देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, +1 - 6 दैट इज इक्वल टू -5x² 7 + 5 = 12, सो +12x² y² और कॉन्स्टेंट 7 एज इट इज। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच इज 5a² - 2ab + c² लेस देन 2a² + 7ab + 2c² इसका मतलब ये ट्राइनोमियल इस ट्राइनोमियल से कितनी लेस है, कितनी छोटी है, ठीक है, ये फाइंड करना, मतलब ये वैसे हो गया 2 5 से कितना कम है, है ना, हाउ मच 2 इज लेस देन 5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 इज 3 लेस देन 5, ठीक है, ये उसी तरह से हो गया, इसलिए हमें इस ट्राइनोमियल में से इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर 2a² + 7ab + 2c² - इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 5a² - 2ab + c² दैट इज इक्वल टू। अब जिस ट्राइनोमियल एज इट इज लिखेंगे 2a² + 7ab + 2c² अब माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो -(+) हो गया, -5
5a² - (+2ab) - (+c² = अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को नजदीक लिखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वेयर है, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, दिस टू टर्म्स आर लाइक टर्म, सो वी विल गेट हियर 2a² - 5a² फिर यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, सो +7ab + 2ab फिर यहाँ पे +2c² - (c² = अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे +2 - 5 कितना होता है 2 - 5 दैट इज इक्वल टू होता है -3, सो -3a² + 7 + 2 हो गया +9ab 2c² - c² यानी 2 - 1 सी स्क्वेयर का कोई भी यहाँ पे -1 है, सो दैट इज आंसर इज 1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो सिर्फ डायरेक्ट c² सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी कैन सी दैट लास्ट आंसर देयरफॉर 5a² - 2ab + c² = -3a² + 9ab + c² < (2a² + 7ab + 2c² सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द सम ऑफ 2x - y + 7 and 2y - 10 सब्ट्रैक्ट 4x - 2y - 11 यानी इन दोनों के एडिशन में से इस ट्राइनोमियल को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की एडिशन करेंगे और उसके आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, फर्स्ट वी विल एड दिस टू, सो 2x - y + 7 + 2y - 10 अब इसके आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस इस ट्राइनोमियल को सो विल राइट हियर माइनस, जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे 4x - 2y - 11 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को क्लोज करो, सो यू विल गेट हियर 2x, अब यहाँ पे x की कोई लाइक टर्म नहीं है, फिर -1 ये 2y इसके साथ लिखो +7 - 10 - 4x - 2y - 11 इसका आंसर फाइंड करेंगे 2x एज इट इज -1 + 2 हो गया +1y मतलब सिर्फ y और यहाँ पे हो गया -3। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज करो, सो यू विल गेट हियर -4x + 2y + 11। अब लाइक टर्म्स को क्लोज करेंगे, सो यू विल गेट हियर 2x - 4x + y + 2y - 3 + 11 ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पे +2 - 4 दैट इज आंसर इज -2x + 1 + 2 हो गया +3y + यहाँ पे हो गया 8, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द सम ऑफ 7 + 3x and 6 - 2x + x² यानी इन दोनों के सम का जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2x² - 3x and 2x² + 3x - 9 इन दोनों का जो एडिशन का आंसर आएगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तभी इन दो बायनोमियल और ट्राइनोमियल इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना होगा, उसका जो आंसर आएगा वो है, और फिर इन दोनों को ऐड करना होगा और फिर इन दोनों के आंसर में से इन दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है, सो फर्स्ट वी विल ऐड दिस टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, सो 7 + 3x + 6 - 2x + x² = इन दोनों को ऐड करते समय लाइक टर्म्स को ऐड करो, 7 + 6 हो गया 13, आप अगर अभी आपको अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो +3x - 2x ये हो गया +1x यानी सिर्फ +x और +x² एज इट इज, तो ये आंसर हो गया इन दोनों के एडिशन का। नाउ आप क्या करो, अभी इन दोनों के एडिशन करो, सो यू विल गेट हियर 2x² - 3x + 2x² + 3x - 9 = अब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ x² है, यहाँ पे x² है, दिस टू टर्म आर लाइक टर्म, तो +2 और +2 ये हो गया +4 यानी 4x², यहाँ -3x + 3x सो दिस इज बिकम 0, रिमेन हियर -9। अब क्या करोगे, इस एडिशन में से इस एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सो यू विल गेट हियर
थर्टीन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसको लिखेंगे ब्रैकेट में फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, दैट इज इक्वल टू थर्टीन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इनके साइज चेंज करो सो यू विल गेट हियर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, राइट टर्म्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 13 प्लस 9 कितना हो गया, 13 प्लस 9 22 प्लस x, यहाँ पे x की कोई लाइक टर्म नहीं तो प्लस x एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो प्लस वन माइनस फोर ये हो जाता है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो सबसे पहले लिखेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल से क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ट्राइनोमियल टू गेट दिस ट्राइनोमियल, मतलब इस ट्राइनोमियल में से कितना सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये ट्राइनोमियल मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक सादा एग्जांपल बताता, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब ये आंसर आपके लिए आसान है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन ये मिलता कैसे है, उसके लिए हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाता है 2। तो इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइनोमियल में से डायरेक्ट इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर 3a प्लस 7b माइनस 10 माइनस, इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है इसको लिखेंगे ब्रैकेट में इन ब्रैकेट माइनस 2a माइनस 7b प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। सो इज इक्वल टू यू विल गेट हियर 3a प्लस 7b माइनस 10 एज इट इज लिखा। अब माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, सो माइनस इनटू माइनस ये हो गया प्लस 2a, माइनस इनटू माइनस हो गया प्लस 7b, माइनस इनटू प्लस हो गया माइनस 9 इक्वल टू। अब लाइक टर्म्स को क्लोज करेंगे सो यू विल गेट हियर 3a, ए की लाइक टर्म कौन सी है प्लस 2a, फिर यहाँ पे प्लस 7b, बी वाली लाइक टर्म है, फिर यहाँ पे प्लस 7b, फिर कांस्टेंट है माइनस 10 माइनस 9 इक्वल टू 3a प्लस 2a ये हो जाता है 5a, 7b प्लस 7b ये हो गया 14b, माइनस 10 और 9 हो गया माइनस 19, दोनों का जब सेम साइन होता है तो दोनों का ऐड करते हैं जो साइन है वो देते हैं। सो दिस इज should be subtracted from this to get this. So we will write here last answer. Therefore, 5a plus 14b minus 19 should be subtracted. आप इसको verify भी कर सकते हो. Verify करने के लिए इस trinomial में से इसको subtract करोगे, so you will get this trinomial. Got it? We will solve question number 13. Find the value of following polynomials when m equal to 2. तो इन यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल में वेरिएबल m है और m की वैल्यू 2 फाइंड पुट अप करके हमें इन पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर इक्वल टू, m की जगह सिर्फ हमें 2 लिखना है, 3m मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई m, सो वी विल राइट हियर 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है माइनस 7, 3 टू द 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है ये हमने इंटीजर में पढ़ा है, वी विल नॉट गो इन डिटेल नाउ। सो दैट इज इक्वल टू हियर, यहाँ पर भी हम m की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, सो वी विल गेट हियर 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है और उसका स्क्वायर है, सो वी विल राइट हियर इन दिस वे प्लस 5m यानी 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 टू जा हो गया 10 माइनस 3, सो यू विल गेट हियर 2 4 जा 8 प्लस 10 माइनस 3, 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 3 हो गया 15, सो 15 इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गॉट इट? नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर हो गया 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 होता है 8, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस 5 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो लेफ्ट टू राइट जो है पहले उसको करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है, 24 प्लस 8 ये हो गया 32 माइनस 6 प्लस 5,
32 माइनस 6 करेंगे अभी, सो यू विल गेट हियर 26 प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 31. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14. What should be the value of n if 3x² minus x minus n equal to 6? अब यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है. इस इक्वेशन में यहाँ पे जो n है that is the constant. और हमें इसमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसमें हमें x की वैल्यू दी है 1. तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 1 पुट अप करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट वी विल राइट 3x² minus x minus n is equal to 6. So we will get 3 multiply x की वैल्यू 1 पुट अप करो, सो वी विल गेट 1 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 1 माइनस n एज इट इज इक्वल टू 6. सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है. सो 3 इंटू 1 हो गया 3 माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 6. अब 3 माइनस 1 हो गया 2 माइनस n इज इक्वल टू 6. अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को RHS में ट्रांसपोज कर दो. सो माइनस n इज इक्वल टू 6. यहाँ 2 पॉजिटिव है, RHS में जाएगा तो निगेटिव हो गया, दैट इज इक्वल टू 4. अब हमें n की वैल्यू चाहिए, यहाँ से माइनस साइन हटाना है. सो दोनों साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो. सो यू विल गेट हियर n इज इक्वल टू माइनस 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n. गॉट इट? एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1 व्हिच इज टेकन फ्रॉम कोडा बुक. सो क्वेश्चन इज दैट what should be taken away from 5x² plus 4y² plus 10xy to obtain 2x² plus 6y² plus 9xy. And इस ट्राइनोमियल में से कितना टेकन अवे करो, टेकन अवे करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, तो हमें ये ट्राइनोमियल मिलेगी. ये क्वेश्चन उसी तरह से हो गया जैसे 5 में से कितना माइनस करो, कितना टेकन अवे करो, तो आपको आंसर आता है 3. अब इसके लिए आप क्या करते हो, 5 में से 3 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हो. सो 5 माइनस 3 आपको आंसर मिलता है 2. तो इसी तरह से ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस ट्राइनोमियल में से इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है. देयरफॉर राइट हियर वी विल गेट 5x² प्लस 4y² प्लस 10xy माइनस, इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 2x² प्लस 6y² प्लस 9xy ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू, अब ये ट्राइनोमियल एज इट इज लिखेंगे. सो वी विल गेट हियर 5x² प्लस 4y² प्लस 10xy. अब क्या करना है, माइनस से इस पूरे ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करो. सो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 2x² माइनस इंटू प्लस माइनस 6y² माइनस इंटू प्लस माइनस 9xy, ओके, सो इज इक्वल टू. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लाइक टर्म्स को क्लोज करना है. यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ पे x² की टर्म है, इनको नजदीक लिखेंगे. सो वी विल गेट हियर 5x² माइनस 2x², फिर y² की टर्म नजदीक लिखेंगे प्लस 4y² माइनस 6y², फिर यहाँ पे बची प्लस 10xy माइनस 9xy इज इक्वल टू. अब कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 हो गया 3. सो वी गेट हियर 3x², 4 माइनस 6 हो गया माइनस 2y², 10 माइनस 9 हो गया 1. तो सिर्फ हम 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे सिर्फ xy. सो ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइनोमियल में से अगर आप इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हो देन यू विल गेट दिस ट्राइनोमियल. सो वी विल राइट लास्ट आंसर. Therefore, 3x² minus 2y² plus xy should be taken away. तो लास्ट आंसर लिखना आपको जरूरी है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन है. Got it?